नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू DIY J&K। दोस्तों ये है स्टार क्यू का XLNT S5 मॉडल। तो आज हम करेंगे इसका यूजेज। तो दोस्तों ये है इसकी डिफ़ॉल्ट गन। तो दोस्तों वैसे तो ये गन देखने में और फील में काफ़ी हल्की लग रही थी, बट इसका ऑपरेशन जो है वो नॉर्मल बाकी गन्स की तरह ही है। तो ये है 0 डिग्री की पॉइंटेड धार, एकदम पॉइंटेड है, एक्यूरेट और प्रिसाइज है। और यहाँ पे मैंने इसका ऑन किया है फैन स्प्रे, तो फैन स्प्रे भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों अभी अमेज़न पे ये 5,444 रुपये में अवेलेबल है, तो क्योंकि ग्रेट इंडियन सेल चल रही है इसलिए काफ़ी सस्ता है। वैसे तो मैंने इसे 5,800 में ख़रीदा है। तो दोस्तों इंडक्शन मोटर के साथ ये प्रेशर वॉशर आता है, तो काफ़ी सस्ती डील है। तो चलिए अब इसकी नोज़ल को रिमूव करते हैं और QD फिट करते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे फीमेल थ्रेड है और हमें जो QD मेरे पास है वो भी फीमेल है, तो फीमेल और फीमेल का कनेक्शन नहीं बनेगा। मुझे QD दूसरा ख़रीदना पड़ेगा जो मेल थ्रेड्स के साथ हो, तो मैं जल्दी ख़रीद के आपको अपडेट कर दूंगा। तो एज़ ऑफ नाउ हमें ये पुरानी गन यूज़ करनी पड़ेगी जिसमें हमारा QD फिट हो जाता है, बट जो इस प्रेशर वॉशर की होज़ पाइप है वो हमारी पुरानी गन में फ़िट नहीं होगी। तो इसलिए हमें पुराने गन की होज़ पाइप भी इस प्रेशर वॉशर में फ़िट करनी पड़ेगी। तो हमारा सेटअप हो गया तैयार। प्रेशर वॉशर के साथ मैंने पुरानी होज़ पाइप भी जोड़ दी हुई है, पुरानी गन भी जोड़ दी हुई है। अब हम इसे फोमिंग कर सकते हैं। दोस्तों फोमिंग करके टेस्ट करना इसको ज़रूरी था, इसलिए मुझे पुरानी गन और पुरानी होज़ पाइप जोड़नी पड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अब यूज़ करूँगा JPT की फोम कैनन प्रोफेशनल वाली। तो फोम सॉल्यूशन हमारा बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे अब हम इस फोम कैनन को अपनी गन के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो गन हो गई है हमारी कनेक्ट, तो अब हम बढ़िया तरीके से फोमिंग करने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों फोमिंग बढ़िया तरीके से हो रही है। आई एम श्योर आप भी इसको उतना ही एंजॉय कर रहे हैं जितना मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ये जो फोमिंग का लेवल है ये एट पार विद अदर एक्सपेंसिव प्रेशर वॉशर्स ये हिसाब से हो रहा है। ये इतना सस्ता प्रेशर वॉशर बाकी महंगे महंगे प्रेशर वॉशर्स को मैं कहता हूँ कि टक्कर देंगे, बिल्कुल लायक है। ऐसा मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका प्राइस रेंज काफ़ी ज़्यादा कम है। 5,440 रुपये में, 444 रुपये में ये अवेलेबल है। और दोस्तों इसकी एक्सेसरीज़ भी कमेंडेबल हैं। दोस्तों ये प्रेशर वॉशर आता है कमर्शियल ग्रेड की होज पाइप के साथ, जिसकी लेंथ जो है अराउंड 7 to 8 meters है। इसके साथ बाकी एक्सेसरीज़ भी अच्छी हैं, कहीं कहीं पे कॉस्ट कटिंग आपको दिखेगी, बट दोस्तों इतना सस्ता प्रेशर वॉशर लेना आपके लिए तभी पॉसिबल है जब कॉस्ट कटिंग होगी। गन इसकी थोड़ी मॉडरेट सी एवरेज सी क्वालिटी की है, बट दोस्तों गन को हम इजीली चेंज कर सकते हैं जब हमें ज़रूरत हो। तो दोस्तों गन इसकी एवरेज क्वालिटी की है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आप फोम कैनन नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों उसका अडाप्टर मेरे पास है नहीं, तो मैं अडाप्टर जल्दी ही ऑर्डर करूँगा और उस गन में भी जो इसकी डिफ़ॉल्ट गन है उसमें भी आपको फोम कैनन लगा कर दिखाऊँगा आपको। तो दोस्तों मेरी तरफ से ऑल इन ऑल ये प्रेशर वॉशर जो है बहुत बढ़िया है एट दिस प्राइस रेंज। अगर ये थोड़ा सा भी महंगा होता तो मैं शायद इसको रिव्यू नहीं करता और आपको रिकमेंड भी नहीं करता, बट दोस्तों अभी जिस प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए इस प्रेशर वॉशर को लेना चाहते हैं तो दोस्तों अभी समय है, इसको जल्दी से ख़रीद लीजिए इससे पहले कि प्राइस जो है वो। दोस्तों करते हैं आज के एपिसोड को यहीं समाप्त। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारे प्रेशर वॉशर्स को रिव्यू कर रखा हुआ है, आप सब्सक्राइब करके उनको भी देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY J&K। बाय बाय।